खूबियों का बजट 2023 आगे के चुनावी दंगल में भाजपा का रंग जमा सकता है। इसके लिए भगवा ब्रिगेड कमर कसकर अभी से मैदान में उतर गई है। गुरुवार को बरेली में राजेंद्र नगर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सरकार एवं संगठन ने मिलकर बजट पर विशेष परिचर्चा आयोजित कराई। संगोष्ठी में भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद, मेयर, विधायक, प्रमुख नेता एवं पदाधिकारियों ने बजट विशेषताएं गिनाकर इसे हर वर्ग के तबके के लिए लाभकारी बताया। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, विधायक संजीव अग्रवाल, डॉक्टर एम पी आर्या, डॉक्टर डी सी वर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के एम अरोड़ा सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने बजट परिचर्चा में क्या कहा, देखिए सबके मन की बात। दो तीन वर्षों से और इस बीच में कोरोना काल भी आ गया, जिस ढंग से हमने बजट के दिशा में बात की और काम किया, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में बहुत दूरदर्शिता के साथ पिछले तीन वर्षों के अंदर हम लोगों ने जो काम किए उसके परिणाम हम सामने दे रहा है। कहीं पर भी कोई कमी या समस्या नहीं रहा है। और सबसे पहली बात, फिर कोविड काल के बाद भी अनुमानित ग्रोथ 7% है जो दुनिया में कहीं पर, और सब इस बात को समझ भी रहे, सब इसको जानती रहे कि वास्तव में और वैश्विक मतों के अंतर्गत दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है और हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर रही है। हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर के देश हमारे बारे में इस बारे में राय रखते हैं और हम जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि जो कल्पना से आगे बढ़कर काम कर रहा है। और जो हमारा प्रमुख क्षेत्र है कृषि, और कृषि के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, कृषि का ऋण का लक्ष्य हमने 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का। देखिए बजट जो हमारा 1 फरवरी को पेश किया गया आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, ये बजट बहुत अच्छा है। और इस टर्म का मतलब हमारे लोकसभा के इस सत्र का यह आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि इसके बाद 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे। इस बजट के अंदर महिलाओं, गरीबों, मजदूरों, गांव, छात्रों, नौजवानों, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। हर एक के फायदे का बजट है, आम तौर पर गरीबों के लिए बजट है। देखिए बजट जो इस बार आया है वो वाकई बहुत लोक कल्याणकारी है। पूरे देश की जनता हर वर्ग को सोच कर, हर वर्ग की चिंता कर कर इस बार ये बजट बनाया गया है। लोगों ने जोड़ा कि ये बजट चुनाव को लेकर है या वोट की राजनीति नहीं है, मैं इसको गलत मानता हूँ। वोटों की राजनीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन आम जनता के हितों का ध्यान रखकर इस बजट को बनाया गया है।